हेलो। हेलो। हाँ जी, एक्चुअली इसमें मैसेज आया था हमारे में इस नंबर से कि डियर ओके कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टू नाइट 9:30 PM। जी बिल्कुल सर, आपका देखो जो बिल है वो बिल अपडेट नहीं हुआ था। लास्ट मंथ का आपने जो बिल भरे थे ना सर, किस हाँ, लास्ट मंथ तो मैंने पे किया था। माध्यम से किए थे सर? मैंने शायद डायरेक्ट कर दिया था पेमेंट उससे, पेटीएम से। हाँ तो पेटीएम ऑनलाइन से किए थे ना, तो ये बिल आपका शो नहीं हुआ है सर। सर, ये कितने तारीख को भेजा था आपने लास्ट टाइम बिल? सर आपने जब पेमेंट किए तो 2 महीने का हाँ, पेमेंट नहीं दिख रहा सर। वो तो घर भी आप पहुंचाते हैं ना। जी, तो ये बिल अपडेट नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। अपडेट कर लीजिए, मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे करना होगा। अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए सर। अच्छा, तो वो तो ठीक है सर, लेकिन मतलब और मेरे पास तो ऑफिस, बिजली ऑफिस भी यही नियर है, तो क्या अभी उसमें बोल रहे हैं एक चीज, और इसमें लिखा है कि आपका इमीडिएटली कांटेक्ट विथ योर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, जी अदरवाइज 9:30 PM इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिटेक्टेड लाइक दैट। जी तो मैं वो अपडेट कर देता हूँ ना सर। अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए, मैं बता रहा हूँ सर, अपडेट करना है बस। तो क्या उसमें क्या अपडेट करना होगा? आपने जो बिल भरे थे ना वो बिल अपडेट नहीं हुआ, उसको अपडेट करना होगा। बिल को अपडेट करना होगा तो जी उसमें क्या होगा, जो हमने पेमेंट की है वो आ जाएगी आपके पास? जी तो लेकिन मेरे तो ये 20 दिन हो गए होंगे इसके लिए। इसके बाद ये बिजली बिल अपडेट के नाम पर ये करता कि आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है जो कि उन्होंने ही बनाई हुई है, वो बताते हैं और उसे इंस्टॉल करने को बोलते हैं। यदि हम उनके कहे अनुसार इंस्टॉल कर लेते हैं तो जब डाउनलोड होता है और वहाँ ओपन का ऑप्शन आता है, हम ओपन करते हैं तो जनरली एप्लीकेशन हमारी जो मोबाइल की स्टोरेज है, जो हमारी मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं और कॉन्टैक्ट है, गैलरी है, सभी चीज़ को एक्सेस मांगती हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि आप उसे एक्सेस कर दो। इसके बाद कुछ ये एप्लीकेशन मॉडिफाइड होती हैं जो डायरेक्टली हमारे मोबाइल को वो ऑपरेट कर पाते हैं। जब वो ऑपरेट कर लेते हैं तो इससे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी वो प्राप्त कर लेते हैं, और कई बार होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर हमको ब्लैकमेल करने लगते हैं, या फिर हमारी जो बैंक डिटेल्स होते हैं उनको लेकर हमारे बैंक से डायरेक्ट पैसे भी ले सकते हैं। इस तरह से ये फ्रॉड करते हैं, इसलिए इस तरीके की फ्रॉड कॉल या मैसेज से सतर्क रहें। और